यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो फूड पे स्पेशली जो है वो 14.8% जो है वो इंक्रीज हो गया है एनुअली। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, प्लस जर्मनी में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो स्पेशली ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी या बाकी सारी ग्रॉसरीज में हम लोगों का कितना प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है या एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, वीडियो में मैं वही बताऊंगी। तो मेरा नाम है सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप जो है वो चैनल का नाम है। इसमें मैं जर्मनी और यूरोप के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ट्रैवल, लाइफस्टाइल और फैशन वाले वीडियोस बनाती हूँ, फैशन स्टाइलिंग के। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप जर्मनी आने वाले हो या यूरोप आने वाले हो तो मैं इसमें एक चीज़ और कवर करूँगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको क्या क्या सामान ग्रॉसरी में, लाइक खाने पीने का जो सामान होता है, जो इंडियन स्टफ़ होता है, क्या लाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ये पूरा बेस्ड ऑन, क्योंकि अब 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो जो भी मुझे लगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें तो नहीं लाना चाहिए, वेस्टेज है, यहाँ पर ज़्यादा सही प्राइजेस पे मिलते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, वही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखना और बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का जो अभी टाइम है, मतलब फ्रॉम जुलाई 2022 और अभी जो चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट टाइम है ड्यू टू द फैक्टर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो फूड पे स्पेशली जो है वो 14.8% जो है वो इंक्रीज हो गया है एनुअली। जब स्टार्ट हुआ था लाइक फ्रॉम जुलाई, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो सडनली 3 times इंक्रीज हो गए थे। तो यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल जो है वो 0.99 यूरो का आता है, विच इंक्रीज टू 3.99 यूरो, और कुछ कुछ केसेस में और ज़्यादा बढ़ गए थे, तो सडनली जो है वो इंक्रीज हो गया। जनरली अगर मैं बात करूँ तो 1992 के बाद जर्मनी में प्राइजेस जो है वो बहुत कम बढ़े हैं, तो इस केस में ऐसे प्राइजेस इंक्रीज होते हुए देखना जो है वो अपने आप में ही एक वरी पॉइंट था हम सब लोगों के लिए ही। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कंपेयर करूं जो हम लोग पहले ग्रॉसरी के प्राइजेस देते थे वर्सेस अभी जो है वो कितना हम लोगों का मंथली एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। तो पहले जो है वो हम मंथली ग्रॉसरी पर खर्च करते थे, जैसे हम दो लोग रहते हैं तो हम लोग खर्च करते थे कुछ 450 यूरो टू 500 यूरो मंथली। सिर्फ ये मैं बात कर रही हूँ सुपरमार्केट की, तो इतना हम लोग खर्च करते थे जिसमें दूध, वेजिटेबल्स, ऑयल, मिल्क के सारे प्रोडक्ट, मतलब डेली का जो भी सुपरमार्केट में मिलता है वो सारा चीज़ें जो है वो कवर हो जाती थी। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो हमारा जो वो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है 550 यूरो टू 600। तो ये जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, एवरेज वैल्यू जो है वो भी बढ़ गई है। तो अब ऑब्वियसली ये जो इफेक्ट हुआ है ये हम लोगों के ऊपर बहुत ही सडनली देखने मिला है, और आई एम श्योर कि आपको भी देखने मिला होगा। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है तो जस्ट कैलकुलेट इट और देखो कि आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं ग्रॉसरी में वो कितने बढ़ा दिए। तो ये तो हुए सुपरमार्केट की शॉपिंग। अब मैं जाती हूँ इंडियन ग्रॉसरी पे। इंडियन ग्रॉसरी की भी शॉपिंग जो है वो हमें वीकली बेसिस पे करनी पड़ती है, क्योंकि हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे कुकिंग के लिए। उसके अलावा भी आटा, दाल जो होता है वो भी इंडियन जो स्टोर है उसी पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो ऑन एन एवरेज पहले हम उस पे खर्च करते थे 200 यूरो इंडियन ग्रॉसरी पे। तो अदर देन 450 टू 500 यूरो जो सुपरमार्केट की शॉपिंग है, उसके अलावा जो इंडियन ग्रॉसरी का सामान होता है, जैसे अपने मसाले हो गए, आटा दाल हो गया, सब्जियां हो गई जो इंडियन सब्जियां होती हैं, उस पे हम लोग 200 यूरो के लगभग खर्च करते थे। मिठाइयाँ हो गई, और यहाँ पर मैंने क्या देखा सडनली किस किस चीज़ में प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए। एक तो राइस के प्राइजेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए, कुछ हद तक आटे के प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए, और जो वेजिटेबल है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइजेज जो है वो मैंने चेंज होते हुए देखा। क्योंकि 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, जो वेजिटेबल पर केजी, जैसे भिंडी यहाँ पर नहीं मिलती, लौकी यहाँ नहीं मिलती, वो 4.5 यूरो पर किलो के हिसाब से मिलती थी, और आज वो इंक्रीज हो गई 10.5, लाइक 10.5 किलो पर केजी ऑन एन एवरेज। तो आप देखा जाए तो ये डबल हो गई वेजिटेबल के प्राइजेस।
तो इन सब चीज़ों में लाइक हरी मिर्च, हरा धनिया, वेजिटेबल्स, इन सब के प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखे। आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ से सोर्स होते हैं, किस वजह से इंडियन जो चीज़ें हैं उसके भी प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, पर वहाँ पर भी देखने मिला। तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम 200 यूरो जो है वो खर्च करते थे, तो अब जो है वो हम 250 से 300 यूरो जो है, मतलब 250 मान लो, इतना जो है वो इंडियन सामान पे खर्च करने लगे हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंक्रीज हो गया। अब ऐसी भी कुछ चीज़ें थी इंडियन ग्रॉसरी में जिसके प्राइजेस बिल्कुल भी चेंज होते हुए मुझे नहीं दिखे। उसको जाने से पहले मैं TRS को जो है वो थैंक यू बोलना चाहूँगी इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए, और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेज जो है उनकी तरफ से आया है, क्योंकि ये जो प्राइजेस हैं इन चीज़ों के इंक्रीज नहीं हुए हैं, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको वो विद एग्जाम्पल दे के बताऊँगी। तो ये पैकेज मुझे आया है, इसमें कुछ मसाले हैं, शॉपिंग बैग है, एप्रॉन है, घी है, और सबसे अच्छी बात एक थैंक यू नोट है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को भी कुछ ऑफर देना चाहती हूँ जो TRS की तरफ से है ऑफकोर्स। तो अगर आप ये स्कैन करेंगे, मैं यहाँ पर बारकोड दे देती हूँ, तो आप जीत सकते हो एक ग्रिल, बारबेक्यू ग्रिल वर्थ ₹500 प्लस 30 गिफ्ट बास्केट्स जो है वो €20 के जो है, ये लोग ऑडियंस को जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए, यू कैन गेट इट इफ़ यू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। बस आपको QR कोड जो है वो स्कैन करना है और उसके बाद कुछ नहीं, इनको टैग करना है @TRS.food। सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। कंटिन्यू टू दिस वीडियो, कुछ चीज़ें जो है वो जिसके प्राइजेस बिल्कुल नहीं पड़े वो थे मसाले। तो मसाले के प्राइस जो है वो जितने पहले थे उतने ही हैं, और TRS जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि TRS के जो मसाले हैं वो ही मार्केट में हैं। सो दिस इज़ द नंबर वन हेयर जर्मनी में TRS। ऑफकोर्स हमारे यहाँ दूसरे आते हैं, बट यहाँ जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी होती है वो TRS के मसाले या TRS के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हीं की होती है। मसाले के जो है वो प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं पड़े, प्लस सरप्राइजिंगली घी के प्राइजेस जो हैं वो भी नहीं बढ़े यहाँ पर। तो यहाँ पर घी, एक तो ये जो TRS का प्योर बटर घी है ये बहुत ही कॉमन है, मैं तो 4 साल से देख रही हूँ ये आता है सारे ही ग्रॉसरी स्टोर्स पे। उसके अलावा आपको जो है यहाँ के ग्रॉसरी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी घी मिल जाता है, इतना टेस्टी नहीं होता जो हमारा घी होता है, पर वहाँ पर भी मिल जाता है। बट ये जो घी के प्राइजेस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, या मैं बोल लूँ ना के बराबर बढ़े हैं। ये है प्रोडक्ट्स जो मैंने देखा स्पेशली प्राइजेस नहीं बढ़े। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, तो ये गार्लिक पेस्ट आया है इस बॉक्स में, ग्राम फ्लोर जो है वो आया है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर TRS का। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा बैग आया है जो शॉपिंग बैग है TRS का, एंड वन एप्रॉन रेड कलर का। तो ऑफ कोर्स ये एक तो कूल भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मसाले जो हैं वो इस बॉक्स के अंदर हैं। और आपने नोटिस नहीं करा होगा, और भी कुछ चीज़ों के प्राइजेस जो हैं वो इंडियन ग्रॉसरी के प्राइजेस हैं जो इंक्रीज नहीं हुए, जैसे पापड़ हो गया, अचार हो गया, नूडल्स हो गए, चाय पत्ती हो गई। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ ये सारी चीज़ें कि किसके कितने प्राइजेस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में रहता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिस करी हैं जिनके प्राइजेस नहीं बढ़े। बाकी अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ड्रास्टिकली किसी चीज़ में बहुत इंक्रीज़ आया है प्राइजेस में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो सुनना चाहूँगी। इसके अलावा अब जो मेन टॉपिक है, जो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे वीडियो में, वो ये है कि आप अगर इंडिया से यहाँ पर आते हो तो बहुत ही कॉमन होता है, लाइक हम तो हर बार जब भी इंडिया जाते हैं तो हमारा जो एक बैग होता है पूरा 30 किलो का, उसमें इंडियन ग्रॉसरी होती है। बट इंडियन ग्रॉसरी उसमें क्या होती है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार आटा और चावल लाना चाहिए, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आटा चावल जो है वो हमारे डेली यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड वो बड़े बड़े पैकेट जो है हम लोग 10-10 किलो के पैकेट डायरेक्टली लेते हैं। और अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा प्राइजेस में चेंज नहीं आता। तो आप जब एफर्ट्स जो आपको लगेंगे इंडिया से यहाँ लाने में,
प्लस आपका सूटकेस भी भरेगा क्योंकि आपको 30 किलो का एक बैग रहेगा, हो सकता है आपका सिर्फ एक बैग की लिमिट हो, तो वो एफर्ट्स जो हैं वो आपके ज़्यादा लगेंगे आटा दाल और राइस लाने में देन यहाँ से ख़रीदने में। तो आटा दाल राइस प्लस हमारे वो चने छोले राजमा लोबिया ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत लाइए, वो यहीं से खरीदे क्योंकि प्राइजेस भी जो हैं वो बहुत हद तक सेम है, प्लस आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी बचेंगे। अब आपको क्या लेके आना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्या लेके आना चाहिए दीपक और मेरे लिए उस चीज़ में सीमित है कि यहाँ पर क्या नहीं मिलता। तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है फ्लेवर्ड चाय पत्ती। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चाय पत्ती मिलती हैं, सब जो नॉर्मल रेड लेबल ताजमहल और ये सारी मिलती हैं, पर कुछ फ्लेवर्ड चाय पत्ती होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चाय पत्ती होती हैं, वो जो है वो हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर। सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्वीट्स, जो हमारी इंडियन घी वाली स्वीट्स होती हैं वो, तो उसके हम लोग बहुत सारे पैकेट लाते हैं, या तो वो मम्मी बना के देती हैं अपने प्यार से, या फिर हम दुकान से लेने जाते हैं जो भी हमें पसंद होती है, क्योंकि वो यहाँ पर जो मिलना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं पर वो मिठाइयाँ जो होती हैं वो शुद्ध घी की नहीं होती, प्लस उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो इंडिया वाला टेस्ट होता है। थर्ड चीज़ें जो हम लोग लाते हैं वो स्पेसिफिक टू बिस्किट्स वगैरह, बाकी सारे बिस्किट्स यहाँ पर जो है वो सही रेट्स में मिल जाते हैं, जैसे पार्ले जी हुआ, गुड डे हुआ और वो सारी चीज़ें, लेकिन आप बहुत ही स्पेसिफिक हो जैसे मैं हूँ, जैसे बेकरी वाले जो बिस्किट्स होते हैं, जीरा बिस्किट्स होते हैं, अजवाइन बिस्किट्स होते हैं, और भी फ्लेवर्ड जो होते हैं नान खटाई वगैरह, वो भी यहाँ पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी बहुत सारे पैकेट्स जो हैं वो हम रख के लेके आते हैं ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से चल। एक और चीज़ जो हम लोग, मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ उस चीज़ के लिए, वो स्पेसिफिक मसाले, जैसे पेरी पेरी मसाला जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता, और वो मुझे बहुत पसंद है किसी भी चीज़ में ऊपर से डालने के लिए, तो वो मैं लेके आती हूँ इंडिया से। प्लस जीरा मन जो होता है वो एमपी का बहुत ही स्पेशलिटी होती है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती, मगर आप मतलब दूरबीन से भी देखने जाओगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो भी मसाला जो मैं लेके आती हूँ। बाकी टीआरएस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें तो सारे मसाले जो मिल जाते हैं अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं, तो बाकी मसाले तो मैं नहीं लाती, बट स्पेसिफिक जो मसाले होते हैं जो यहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है वो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। इसके अलावा आप शौक हो जाओगे क्या क्या चीज़ें लाते हैं हम, तो ज्वार का आटा जो है वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है मिलना, ज्वार का आटा लेके आते हैं हम, और बाजरे का आटा वो भी मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको पता हो कहाँ मिलता है तो मुझे बताना, पर मेरे को थोड़ा ढूंढने में जो है वो मुश्किल जाती है। उसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ें जैसे स्पेसिफिक पापड़, वैसे तो यहाँ लिज्जत पापड़ मिल जाते हैं, पर अगर आपको कोई स्पेशल चना दाल और मिक्स्ड और समथिंग समथिंग लाइक साबुदाने के पापड़ और ये सब चीज़ें अगर खाना है तो यहाँ शायद नहीं मिलेंगे, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अपने साथ लेके आते हैं। अचार जो है वो अवॉइड करते हैं, वो मैंने कवर नहीं किया था इसलिए क्योंकि अचार में एक तो ऑयल बहुत होता है, आपका सारा सामान जो है वो ख़राब हो जाएगा। और हाँ, वेजिटेबल वगैरह नहीं लेके आते हैं, वो लाना बिल्कुल वेस्टेज है ज़रूर, क्योंकि वो एक्चुअली ख़राब भी हो जाएगा और फालतू जगह जो है वो घेरेगा, तो यहीं से ख़रीदना ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा प्राइजेस लगते हैं कि हरा धनिया 180 रुपये का मिल रहा है, हरी मिर्च 250 रुपये की मिल रही है, पर इससे कम का यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, तो वो जो है वो आप धीरे धीरे जो है वो इस माहौल में ढल जाओगे। तो जितने भी वेजिटेबल यहाँ के जो हमारे स्पेसिफिक वेजिटेबल्स हैं वो भी हम लेके नहीं आते हैं। तो लेके आने वाली सामान मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं प्लस जो नहीं मिलती यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो वो हैं हम लेके आते हैं यहाँ पर। बाकी आप कुछ स्पेसिफिक लाते हो उसके बारे में मुझे कमेंट करना, मैं सुनना चाहूँगी। और अगेन थैंक यू सो मच, वीडियो में मैंने बहुत सोचा और मैंने नोट डाउन करा कि यार ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं कि आपको क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए। ये तो सिर्फ मैंने आपको ग्रॉसरी के बारे में बताया, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं जैसे यूटेंसिल्स वगैरह किचन में कौन से लाने चाहिए यहाँ नहीं मिलते हैं जो, वो भी मुझे कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक दिस वीडियो, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जर्मनी की, वो देखना मत भूलना,
और हाँ, ये जो TRS का जो ऑफर है जिसमें आप एक ग्रिलर जो है वो जीत सकते हो 500 यूरो का. एक्चुअली हमारे घर में भी ग्रिलर नहीं है, तो मैं सबसे पहले मैं स्कैन करने वाली हूँ ताकि मैं जीत जाऊँ वो, और वो हम अपने गार्डन में रख के नेक्स्ट टाइम जो है वो ग्रिल करते समय वीडियो बनाए. तो मैं सबसे पहले वो करने वाली हूँ. अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो देयर इज़ अ चांस. स्कैन कोड जो है वो मैं आपको यहाँ पर डाल देती हूँ, स्कैन करो, जीतो, TRS को टैग करो. ओके गाइज, तो अब मैं जाती हूँ, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय.